जिनों का मैं एक कोटेशन आया है कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये है कि लॉन्ग रन में आप अपने मास्टर की डिविनिटी को खोज लेते हैं, डिस्कवर कर लेते हैं, खोज लेते हैं मतलब डिस्कवर कर लेते हैं। ये क्या है, डिविनिटी क्या है, मास्टर की डिविनिटी क्या है? हमने इतनी बार डिविनिटी वर्ड सुना है, डिवाइन वर्ड सुना है, गॉड वर्ड सुना है कि एक्चुअली हमने गलत चीज़ों के साथ डिविनिटी को अटैच कर दिया है, और कभी भी हमारे मन में डिवाइन को सर्च करने का मन नहीं करता, बिकॉज हमारे जो डिवाइन के जो मतलब हैं वो इतने घिसे पिटे हैं कि हम सर्च नहीं करते। बचपन में मैं जब मंदिरों में जाता था भगवान के पास, तो कुछ अगरबत्ती की खुशबू, घंटियों की आवाज़, आरती की आवाज़ और कुछ पीले कपड़े जिसमें राम राम लिखा हो, या जो भी लोग मंदिरों में, मस्जिदों में, जहाँ पर भी जाते हैं, उसके साथ डिवाइन वर्ड यूज़ हो गया है। लेकिन ये डिवाइन है नहीं, डिवाइन कुछ और होता है। डिवाइन का केवल एक एक अच्छा ब्लिसफुल स्टेट ऑफ माइंड नहीं होता, कुछ और होता है। अगर आपने डिवाइन को खोज लिया, डिस्कवर कर लिया, जिस बंदे ने भी डिवाइन डिस्कवर कर लिया उसकी लाइफ वैसी रहेगी नहीं, ये ज़िंदगी भर के लिए फिर बदल जाती है। जैसे किसी बीमार आदमी को अगर दवाई मिल जाए तो वो पूरी तरह से बदल जाता है, जो लॉन्ग टर्म से बीमार हो, क्रॉनिक बीमारी हो उसको, और उसकी अचानक से उसको दवाई मिल जाए तो सब कुछ बदल जाता है उसकी लाइफ में। ठीक ऐसे ही एक कॉमन मैन के लिए अगर उसके मास्टर की डिविनिटी मिल जाए स्पिरिचुअल पाथ में, बेसिकली स्पिरिचुअल पाथ यही है कि आपको मालूम पड़ जाए कि एक मास्टर है आपकी खोज में जो आपको हेल्प करना चाहता है, आपको प्रिपेयर करना चाहता है, और आपको ये भरोसा हो जाए कि वो मास्टर कोई आम इंसान नहीं है, वो डिवाइन बीइंग है, और उसकी डिविनिटी आपको दिखना शुरू हो जाए, फील होना शुरू हो जाए। तो क्या क्वालिटीज़ हैं, किस चीज़ को हम डिवाइन बोलते हैं? तो मैंने इसके 4-5 पॉइंट्स लिखे हैं जो मैंने अपनी एक्सपीरियंस किए हैं जिनों का आने के बाद। तो सबसे पहला पॉइंट है मेरे हिसाब से, जो डिविनिटी एक्सप्रेस करती है वो आपके लाइफ में, आपके माइंड में, आपके फैमिली में, आपके रिलेशनशिप में पीस का अनुभव, शांति का अनुभव होना शुरू हो जाता है। हम सबको शांति का अनुभव मिलता है कभी कभार, हम लोग शोर से जब हटते हैं तो जो खाली टाइम होता है उसको हम शांति बोलते हैं, लेकिन ये शांति नहीं होती, शांति कुछ और ही होती है। एक बार आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप उसमें और रहना चाहते हैं, इट्स वेरी हेल्दी। जैसे आपको एयर कंडीशन में रहना अच्छा लगता है, ऐसे ही मेंटल मेंटल पीस, मतलब इट्स लाइक अ मेंटल एयर कंडीशन, आपको मन में बहुत अच्छा लगता है तो वो पीस का आपको एक्सपीरियंस आना शुरू हो जाएगा, फिर आप शोरगुल में जाना नहीं पसंद करेंगे। तो सबसे पहली डिविनिटी का साइन है कि आपके मास्टर आपके पास आ रहे हैं और आपके मास्टर डिवाइन हैं, वो डिविनिटी का साइन है। मेंटल पीस, मन की शांति, नहीं चाहते फिर भी आती है वो। दूसरा है, आपको धीमे धीमे इसका टेंशन नहीं होता कि मैं लाइफ में क्या करूँगा, क्योंकि लाइफ की जो पर्पज़ है, एक्चुअल लाइफ का जो पर्पज़ है वो आपको पकड़ना शुरू कर देता है। जैसे समंदर में करंट्स होती, नदियों में करंट होती है, और कोई भी तिनका या कोई भी जीव जंतु उसमें उस नदी के करंट के साथ बहता रहता है, क्योंकि नदी में करंट है, नदी जहाँ से चल रही है वहाँ से एंड समुद्र तक पहुँचेगी। ऐसे ही लाइफ का भी एक करंट है, और एक बार अगर लाइफ के करंट को आपने पा लिया तो उसको बोलते हैं पर्पस ऑफ लाइफ। तो अगर आपकी डिविनिटी आपके कॉन्टैक्ट में आ गई है और आपने डिविनिटी को डिस्कवर करना शुरू कर दिया है तो आप पर्पस के साथ वन हो जाते हैं। फिर आपको परेशानी ये नहीं होती कि मैं क्या करूँगा, मेरा भविष्य क्या होगा, मेरा करियर क्या होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आप पर्पस के साथ एक हो चुके हैं और आपका लाइफ का फ्यूचर पर्पस ही डिसाइड करता है। आप पर्पस, जैसे मुझे जब जनों का मुझे मिलना शुरू हुई, जब समझ में आना शुरू हो गया, मुझे मालूम पड़ गया अगले 10 साल 20 साल 50 साल तक मैं क्या करूँगा, मैं वही कर रहा हूँ, पिछले 10 साल से वही कर रहा हूँ। तीसरा पॉइंट है कि इसके पहले आपको शायद क्लियर ना हो, लेकिन इसके बाद मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस आपके साथ होना शुरू हो जाते हैं, और मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस अजीबोगरीब नहीं होते, रोज़मर्रा की लाइफ में ही होते हैं। बहुत बार आप एक्सीडेंट से बच जाते हैं, बहुत बार आपकी लाइफ में जो एक लॉन्ग रूट से होने वाली चीज़ थी वो शॉर्टकट में हो जाती है। छोटी छोटी चीज़ों में आपको कोइंसिडेंसेस मिलना शुरू हो जाते हैं। पहले तो लगता है कोइंसिडेंस है, लेकिन फिर बाद में आप देखते हैं ये इसलिए हो रहा है बिकॉज कहीं ना कहीं कोई स्पेशल एनर्जी मेरे को हेल्प कर रही है किसी न किसी चीज़ में। आप देखेंगे आपके साथ कोई और था, उसके साथ वो चीज़ नहीं हुआ लेकिन आपके साथ हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप डिविनिटी के टच में आ गए हैं। तो ये थर्ड पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट है, हम लोगों की लाइफ में जो भी डर के कारण हैं डिविनिटी की प्रेजेंस की वजह से वो ऑलमोस्ट ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। तो डर की मात्रा बहुत कम हो जाती है, जो एक आम आदमी की लाइफ में डर पूरा हावी हो रहता है। ही इज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज पुश्ड बाई फियर टू डू एवरीथिंग, मतलब हर चीज़ में वो डर ही उसको पुश करती है काम करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, जॉब के लिए, करियर के लिए। बट जो आदमी डिविनिटी के साथ एक हो जाता है उसके लाइफ में से डर और कम होते जाते हैं। और लास्ट पॉइंट है, मैंने देखा है कि एक बार डिविनिटी के साथ आप कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं ना तो आपकी लाइफ एफर्टफुल से एफर्टलेस होना शुरू हो जाती है। ऐसा देखते हैं जैसे कि आप कर नहीं रहे हो रहा है आपके साथ, बस आसान हो जाता है लाइफ,
नहीं, वो हमारे संदीप महेश्वरी बोलते हैं आसान है, आसान है, चिक चिक के बोलते हैं, तो वो आसान आपको एक्चुअली फील होती है, बिकॉज डिविनिटी आपको एक तरह की, डिविनिटी की बहुत स्ट्रांग फोर्स है, और जब उसके साथ आप कनेक्ट करते हैं। अच्छा, लास्ट चीज़ जो मुझे कहनी है डिविनिटी के बारे में और मास्टर की डिविनिटी के बारे में, कि जितना आप इन चीज़ों को देख पाएंगे, अपनी लाइफ में देख पाएंगे, उतना ही और बढ़ती जाती है इन चीज़ों के प्रति, डिविनिटी के प्रति। जब आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी, जब आप उसको देख पाएंगे, अच्छा हाँ यार मुझे एफर्ट कम लग रहा है, आप देख पाएंगे मुझे यहाँ पर डर कम लग रहा है, आप देख पाएंगे यार मुझे तो यहाँ पर, मैं तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये तो चमत्कारी चीज़ हो गई मेरे साथ, अब जो आप नहीं सोच रहे थे कि नहीं हो पाएगा वो हो गया। तो जितनी बार आप चीज़ों को देख पाते हैं, अप्रिशिएट कर पाते हैं, उतनी ही ये और बढ़ती जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। आम आदमी को भी होते हैं मिस्टिकल एक्सपीरियंस, लेकिन कभी देखता ही नहीं, देख भी लेगा तो सोचता है चलो छोड़ो ऐसी कोई बकवास चीज़ होगी, ऐसे ही होगा। कभी कोइंसिडेंस हो गया तो लगता है चलो तुक्का है, लेकिन एक आदमी जो डिविनिटी को पहचानना शुरू कर देता है, वो जान जाता है कि तुक्का नहीं है, कोई है जो मेरे को, मेरा गार्जियन है, जो फिजिकल वर्ल्ड के बियॉन्ड कोई चीज़ है जो मेरी गार्जियन है। इसका मैं आपको एक लास्ट वो दूंगा, होमवर्क, बहुत अच्छा होमवर्क है, एक मूवी देखिएगा, याद है मेरी कौन सी पिक्चर देखनी है मास्टर की डिविनिटी को अगर खोजना है तो, माइकल क्लेटन नाम की पिक्चर है, इंग्लिश की मूवी है, बहुत बोरिंग लगेगी लेकिन मैं ये बता देता हूँ आपको साफ साफ, एक मेरा भाई है जो सुनता बोलता नहीं, गूंगा बहरा है, उसको इंग्लिश समझ में नहीं आती, तो उस पिक्चर में एक 3-4 सेकेंड का सीन है, मिस मत करिएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और अचानक बीच में कोई ऐसी चमत्कारी चीज़ होगी जिसकी वजह से उस आदमी की लाइफ बदल गई थी। मुझे तो लगता है इस आदमी जिसने भी लिखी होगी कहानी, उसके साथ हुआ होगा ये मिस्टिकल एक्सपीरियंस हुआ होगा, मेरे साथ भी यही हुआ था। तो माइकल क्लेटन नाम की मूवी है, ये देखिएगा ज़रूर आप। थैंक यू सो मच। हम लोग जो अपना व्हाट्सएप आपके साथ शेयर करते हैं, उसका बेसिक पर्पज़ ये है कि हम आपको ये बता सकें कि हम आपको कैसे अपने साथ कनेक्ट करते हैं, कैसे आप हमारे साथ मिल करके पर्सनली सीख सकते हैं। इसमें दो चीज़ें हम लोग करा रहे हैं, सबसे पहली प्राइम, इसमें कि हम आपको ढेर सारी जितनी भी अच्छी अच्छी बुक्स होती हैं उसको डिटेल में समझाते हैं आपको, और डिटेल में कवर करते हैं। तो अगर आप प्राइम मेंबरशिप ले लेते हैं, आप इसी व्हाट्सएप पर अपना एक कनेक्ट करके बता दीजिए कि हमको प्राइम मेंबरशिप थी, तो वो सारी की सारी वीडियोज़ सीरीज़ आपको मिल जाएगी। और दूसरी चीज़ जो हम कर रहे हैं वो है बेसिक कोर्सेज, हमारे पास इस समय 2 बेसिक कोर्स हैं, ज़ुनोगा बेसिक कोर्स जिसमें आपको स्पिरिचुअलिटी और अपने बारे में सब कुछ सीखने को मिलेगा, और दूसरा है एंटी फ्रेजाइल बेसिक कोर्स जिसमें कि हम लोग बिजनेस और रिस्क टेकिंग के ऊपर बहुत ही डिटेल में आपको ट्रेन करते हैं, कैसे रिस्क लिया जाता है, कैसे अपने आप को बिजनेस में आगे इस्टेब्लिश किया जाता है। तो आप लोग व्हाट्सएप करके हमारे साथ दोनों चीज़ों में सीख सकते हैं। थैंक यू।